राम राम सा, स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल का माई थारो स्वागत है। आज को आपनों जो टॉपिक है, सूर्य पर्वत पर त्रिशूल को निशान कया बने है, इको निर्माण न समझेगा और कौन सी स्थिति में यो आपा ने की प्रकार को फल देव है। ग्रह पर्वत सभी को संबंध देखेगा और इकी जो शाखा बना ही पे त्रिशूल का निर्माण जो पूर्ण रूप से हुआ है, बन शाखा का महत्व न भी समझेगा। तो देखो, सबसे पहली आपा सूर्य पर्वत न समझा तो यो जो था न इस स्थान दिखाई दे रहे है, यो सूर्य को क्षेत्र हुआ है, इन्हें सूर्य पर्वत हथेली में मान्यो जा। अब देखो, ये हाथ ने अगर आपा ध्यान से देखा तो अठे या अपनी जो हृदय रेखा चल रहा है इस प्रकार से, ई रेखा से अगर अपनी सूर्य रेखा इस प्रकार से निकले है तो यह रेखा पॉजिटिव मानी जाएगी और ई रेखा पर अगर ट्रेडेंट को साइन बना है तो आपने यो समझना चाहिए कि ई जातक का जीवन में यो जो ट्रेडेंट को साइन बन रहे है इस प्रकार से यो शुभ फल देगो। अब देखो, अठे अपन जो समझने की बात है वह यह है कि यो जो स्पेस था ने दिख रहे है अन ग्रह पर्वता को, इस स्पेस ने जो अवधि मानी गई है, टाइमिंग जो मान्य गए है वो 70 वर्ष को मान्य गए है। अब अठे ई रेखा ने अपा ई प्रकार से हृदय रेखा से ई प्रकार से ही कोई स्पेस न कर लिया तो यो 70 वर्ष इकी समय आप दिया हुआ है। अब इको सेंटर पॉइंट आपा निकाला तो देखो, लगभग लगभग मध्य से यो 35 वर्ष ने बताओगो। अब ई 35 वर्ष जठ्या हुआ है, बठे से अगर ये शाखाएँ निकल रही हैं तो अपन ये समझना चाहिए जो त्रिशूल को निशान है वो प्रॉपर ई हाथ में बन रहे है और जी जाता की हथेली में ई प्रकार से यो ट्रेडेंट साइन बना गो, बिना हर प्रकार से शुभ पॉजिटिव फल देगो। अब मान लियो अठे यो बन गो, शुभ साइन है अठे बन गो ई प्रकार से, और यह जो सूर्य रेखा है या नीचे अपनी हृदय रेखा ने टच कुनी कर रही तो आपने यो समझ लेना चाहिए कि ई जातक का जो स्टार्टिंग का समय रहेगा, प्रारंभिक बचपन को समय, फिर उसके बाद में युवावस्था को, अठे इन्हें जो 35 वर्ष होएगा कम से कम 35 हो सके, 36 हो सके, 34 हो सके, अन वर्षा तक इन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जैसे ही इका 36 वर्ष कंप्लीट होएगा उसके बाद यो जातक जीवन में तरक्की कर तो मिलेगा। तो ट्रेडेंट अगर हृदय रेखा पर है, स्थायी रेखा से संबंध बना रखो है, अन रेखा ने अपनी स्थायी रेखा बोलियो जा जो ही प्रकार से निकला है हृदय रेखा से, ये अपने जीवन में उग्र है कि पॉजिटिविटी ने बतावा। तो अठे अगर ऊपर सूर्य रेखा पर है तो आपने समझना है जो अपनी 35 से 36 वर्ष रहेगा बेस ज़्यादा पॉजिटिव कुन जाएगा, और अगर हृदय रेखा से बन रहे है तो ई जातक न जीवन में लाभ ही लाभ उकी कमेज से मिलेगो। और सूर्य को जो समय हुआ है एक्टिवेशन को वो 22 वर्ष मान्यो जा है, और कई बार थे देखोगा कि जो बच्चा हुए हैं 17वें, 18वें और 19, 20, 21, 22 वर्ष, जो 22 वर्ष है उससे पहले भी जॉब लग गए फिर उनके लिए अलग आपने ये रेखा देखनी पड़े, लेकिन यह रेखा है तो जीवन में हर प्रकार से तरक्की ने बताओगी। अब देखो, अठे जो त्रिशूल को चिन्ह बना है उके लिए या बात बोली जा है
कि जो ट्रेडेंट को साइन अठे बना है ई के अंदर, मतलब यो जो जातक रहे हो जी के अथेड़ी में स्पष्ट रूप से ट्रेडेंट को साइन बन रहे है, ई के अंदर सूर्य का गण जो गुण हुआ है उनकी पॉजिटिविटी मिलेगी। पॉजिटिविटी की अब अठे बात करा तो देखो ई जातक द्वारा जो भी बात कही जागी, बोली जागी, सामने कोई भी व्यक्ति हो वो इकी बात मानने को, इकी बात मान्य होगी। दूसरी ई जातक के द्वारा कही गई बात भी सत्य होगी। अगर यो अच्छे पर्वत पर यानी सूर्य को पर्वत विकसित है थैली में और ऊपर यो ट्रेडेंट बने है, और मान लो अठे यो ट्रेडेंट कोई एस्ट्रोलॉजर पावर रीडर का भी अथेली में अगर बन रहे हैं तो वो जो भी प्रडिक्शन करेगो बाऊ की सही जागी। अब अठे आप इन्हें या भी देख सका हाँ कि यो जो जातक है इको जो आचरण है, इको जो व्यवहार है, एक जो एक अंदर टैलेंट है, यश कीर्ति है, इको आत्मज्ञान है, आध्यात्मिक जीवन है, आत्मविश्वास है, ये सभी का चोखा देखा जाएगा। जीवन में यो तरक्की करतो था ना मिल लगो। सूर्य का जो गुण होगा बनकी पॉजिटिविटी इस जातक के अंदर मिलेगी। अब देखो ई ट्रेडेंट की जो ये शाखा हुए हैं या एक शाखा ई प्रकार से, अब कोई भी रेखा अपनी हथेली में जी ग्रह क्षेत्र की तरफ झुकाव ले है तो वह ऊ ग्रह क्षेत्र का जो पॉजिटिव गुण है वो जातक में मिलेगा। अब या बुध क्षेत्र की तरफ देखा है अगर, तो निश्चित ही जातक में विस्तार की जो प्रवृत्ति रहेगी वह देखी जाएगी। वृद्धि जीवन में इस जातक का निरंतर होगी। कर्म क्षेत्र इस जातक को कुछ भी हो लेकिन इस जातक ने तरक्की मिलेगी। देखो अक्सर एनालिसिस में थे देखो हो यहाँ रेखा हुए हैं और ये रेखा यहाँ निकल जाए या अट्ठे से ये विवाह रेखा है, इससे कोई रेखा आकर अन्य रेखा से इस प्रकार से संबंध बनावे एक दूसरे के साथ इस प्रकार से सामान्य समझा पाए, या सूर्य रेखा है और अठे या बुध रेखा है और आपा कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हाँ आप बच्चा के लिए अपनी पार्टनर के लिए, तो ऊ के लिए भी कोई ना कोई फॉर्मेशन विवाह रेखा से संबंध उसका है। अठे सूर्य रेखा से थे देखोगा अक्सर इस प्रकार से रेखा निकले हैं और फिर आया मर्च होती जाई, तो ये आपसी जो इन्वेस्टमेंट हुआ गो भी इन्वेस्टमेंट ने ये रेखा बताएंगी यानी तरक्की की ये रेखा अठे मानी जाएंगी। तो इस शाखा को या निकलनो विस्तार ने बताओगी। मान लियो कोई जातक है एक सोप है और वो जातक एक और सोप बेटा के लिए परचेज करें, पत्नी के लिए करें, या खुद की एक सोप है वो भी सोप न बढ़ावे और एक के बाद निरंतर 2 सोप 4 सोप वगैरह उनको विस्तार करे, तो ये विस्तार की रेखा अठे मानी जाएगी। या रेखा आ रही है तो आपन यो समझनो है इस जातक को जो बिजनेस है या इस जातक की जो जॉब है उम वृद्धि भी दिखावेगी और इस जातक का बिजनेस में भी इन्हें या रेखा अठे लाभ करवाओगी, यानी इन आपा लाभ की रेखा वृद्धि की रेखा अठे मान सका हाँ और इस जातक ने जीवन में तरक्की मिले। दूसरा इन्हें अपाइयाँ भी समझ सका हाँ यो जातक जो काम करेगो भी काम में जो विस्तार है वृद्धि है तरक्की है वाया रेखा अठे करवाओगी। बुध को काम हुआ है जातक ने तरक्की करवानो, जातक का काम धंधा में वृद्धि करनो विस्तार ने बताओगो तो या पॉजिटिविटी अठे मिलेगी। अब ई एक और रेखा न समझा
तो देखो या शनि क्षेत्र की तरफ देख रही है तो शनि कार का मैठ या वृद्धि करेगी। शनि भाग्य के कारक ग्रह हुए हैं और अठे ही रेखा को निकलनो भाग्य वृद्धि की तरफ संकेत देवे है। और शनि से रिलेटेड जो भी काम धंधा होगा जातक का, अगर शनि से रिलेटेड काम धंधा में जातक जा रहे हो तो वन में भी तरक्की जातक ने मिलेगी। अब शनि का जितना भी काम धंधा ही वे जातक ने तरक्की अठे करवाएगा। लोहे से संबंधित कोई भी काम धंधो, मशीनरी से संबंधित, पेट्रोल डीजल, प्राचीन वस्तुओं अनुसंधान का कार्य, नौकरी है, मजदूरी है, ठेकेदारी है, और जमीन से जो भी वस्तुओं को उत्पादन आपा करा उनको दोहन करा, बस सब शनि के अंडर में आओ और सबसे ई जातक ने लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर अगर देखा तो देखो यह जो फॉर्मेशन ट्रेडेंट की बना है इसमें आपने जो काम धंधा ही बन में वृद्धि होगी और अठे आपने जो अवसर मिलेगा बन अवसरा से आपा जीवन में तरक्की करेगा। यानी अठे शनि बुध और सूर्य तीनों की पॉजिटिविटी जीवन में देखी जाएगी और तीनों ही ग्रह अपने भाग्य ने बताएगा, विस्तार ने बताएगा और अपना क्रम क्षेत्र में निरंतर प्रगति ने बताएगा। तो अठे यो ट्रेडेंट अगर बन रहे है तो निश्चित ही जातक ने इकी जो भी फील्ड होगी उमें सफलता मिलेगी। मन वचन कर्म सभी आपा बोल सका हाँ यो जातक अच्छे रहेगो, दान पुण्य करेगो, धार्मिक होगो, तो अठे ट्रेडेंट को साइन अत्यंत ही शुभ मान्य जाओ। अब देखो कुछ हाथा में ट्रेडेंट तो बने हैं लेकिन वो नेगेटिव रेखा से बने तो फिर वो जीवन में संघर्ष करवावे बिना समझेगा। अब जो या अपनी सूर्य रेखा या रेखा जितनी स्ट्रेट चलेगी जितनी सीधी रहेगी इन्हें चौखी रेखा मान्यो जाओ, लेकिन यह रेखा सीधी न चाल कर थाने यहाँ घुमाव लेती चालती दिखे तो अठिया पानी यो समझनो है कि इस जातक की जो वर्किंग फील्ड है कुछ भी हो उसका है, जो भी हो उसका बिजनेस भी हो उसका कुछ भी XYZ कुछ भी, तो अठे या रेखा जितनी घूमेगी वो आपा ने समझनो है कि यो जातक जो सूर्य द्वारा पॉजिटिव गुण है उनमें कमी ने बताओगे। अब अन नेगेटिव घूमती रेखा पे अगर ट्रेडेंट भी अय्या की रेखा से बने है इस प्रकार से तो अठे अय्या को जो ट्रेडेंट को साइन बनेगो वो नेगेटिव फल देगो। नेगेटिव फल देगो तो देखो अय्या को जो जातक रहेगो इक अंदर टैलेंट रहेगो लेकिन अपनी योग्यता ने यो को मिसयूज भी करेगो। यानी येन केन प्रकारेण स्वार्थ सिद्धि में की तरफ यो जागो। एक चलता चाहे कोई को भलो हो चाहे कोई को लाभ हो इन्हें उसे कोई मतलब को नहीं, यो खुद को लाभ अठे जरूर देखेगो। तो अठे आपा कैस कहा आचरण भी दूषित ही जातक को होगो और अठे यो जातक अपनी जो पदवी है मान सम्मान जो इन्हें स्टेटस मिलेगो उको भी दुरुपयोग यो अठे करेगो। अब जितनी या रेखा थाने डिस्टर्ब चालती दिखेगी या अय्या भी चाल सके या अय्या भी चाल सके तो अठे से आपा या भी देखेंगा कि सूर्य की जो फॉर्मेशन हुआ है ई रेखा पे वैवाहिक जीवन ने देखो जा जो उत्तम वैवाहिक जीवन हुआ उको संकेत या एक फॉर्मेशन अठे थैली में देवा। लेकिन ये रेखा अगर यहाँ घूम रही है तो फिर आपा ने यो भी देखनो है कि वैवाहिक जीवन में भी ई जातक संघर्ष ई रेखा द्वारा ओह गौर संघर्ष की बात करा तो पार्टनर द्वारा जो आपसी मतभेद है वो भी जातक का जीवन में बढ़ेड़ो मिलेगो। अब देखो
मान लियो या जो फॉर्मेशन है ट्रेडेंट की जो या फॉर्मेशन है ई पर जितनी ये रेखा ये आडी तिरछी रेखा चालेंगी जितनी ये रेखा घूमेंगी ई प्रकार से उतनो ही ज़्यादा स्ट्रगल ई जातक का जीवन में इकी वर्किंग फील्ड में देखियो जागो इक वैवाहिक जीवन में देखियो जागो इक कर्म क्षेत्र में देखियो जागो और यो जातक संघर्ष जीवन में करेगो। और अठे या भी देखनी है अगर निम्न को सूर्य पर्वत है और ऊपर या फॉर्मेशन बन रही है तो भी जातक ने जीवन में कठिनाइयाँ ज़्यादा यो देगो। इको एक जगह काम धंधो चालगो इकुनी बदलाव करेगो और जो सोशल नेटवर्क है वो भी अठे कमजोरी को देखो जागो। अब देखो अठे ई सूर्य रेखा पर ये जो सूर्य रेखा है या अठे चौखी है बिल्कुल अच्छी है और इन्हें यो संकेत है ई जातक का जीवन में कि इकी वर्किंग फील्ड में इन्हें जो काम धंधो है जो जॉब है इके पास रहेगी। लेकिन अठे या जो रेखा है जो बुध क्षेत्र की तरफ जा रही है या रेखा थाने ई रेखा का कलर की ना दिखे यानी या रेखा अठे काली पड़ जा। दूसरी या रेखा अगर अँ चाल लगी ई प्रकार से एक तो काली पड़ जा और एक या रेखा राव प्रभाव में अँ चालती दिखे। ये रेखा जब भी चालेंगी अन्नापा राव प्रभाव की रेखा बोलेंगा तो अठे एक शाखा या ई प्रकार की चाल जा और अठे एक शाखा या चौखी चाल जा। अब देखो यो जातक जीवन में काम धंधो के पास रहेगो यानी जॉब वगैरह में यो रहेगो और इन्हें जीवन में जो इका तरक्की की होनी ही भी तरक्की में जो लास्ट मोमेंट होगो इका कोई भी काम अठे कुन बनेगा। एफर्ट्स लगाओगो मेहनत करेगो प्रयास करेगो लेकिन जो एंड टाइम पापा बोला मौके पर ई जातक ने लास्ट मोमेंट पाकर इन्हें अठे ही रेखा द्वारा एक बनता बनता काम रुक जाएगा। अगर यह रेखा अठे राहु प्रभाव में आ जा या डार्क हो जा तो फिर अठे आपा या बोलेंगा कि ई जातक ने जो अवसर मिलेगा बनमक कमी दिखेगी यानी यो कोशिश करेगो लेकिन का योग्यता भी होगी के अंदर कोशिश भी करेगो एफर्ट्स लगाओगो लेकिन फिर भी इन्हें बन जो अवसर की जो इन्हें तलाश रहे होगी वर्ण ई जातक ने को नहीं मिलेगा। दूसरी अठे या रेखा डार्क है और यो जातक शनि रिलेटेड कोई भी काम धंधो अगर कर रहे है तो भी न सफलता अठे को नहीं मिलेगी। तो इसलिए ही यह बात बोली जा है कोई भी ग्रह चिन्ह है अपनी हथेली में उको जो कलर है पूरो ग्रह चिन्ह हो कोई भी सिंबल हो कोई भी रेखा हो वको एक जिसो होना चाहिए उस स्थिति में वो पूर्ण फल देवे। मान लो ये आर्ट लाइन है इस प्रकार से चल रही है अगर ई हृदय रेखा को कलर एक जिसो है पूरी को तो यो समझ लेनो चाहिए जीवन में ई जातक ने जो इकी आत्मा है इको मन है बस है अब कोई एक डोट आ जा कोई वो एक अलग बात हो है लेकिन आपा अणमुख्य रेखा ने देख कर या बोल सका हाँ कि जातक का जीवन में स्टेबिलिटी है यानी जातक को जीवन स्मूथली रहेगो। अगर एक कलर की मुख्य रेखा है ऊपर धान रेखा है स्थायी रेखा एक कलर की है अब सूर्य रेखा नहीं लिया तो पूरी सूर्य रेखा एक कलर की है तो जीवन में नॉन स्टॉप यो जातक काम धंधे से पॉजिटिविटी लेगो इका काम बनता रहेगा। दिक्कत बैठे आओगी जब ये रेखा राहु प्रभाव में चालेंगी या ये रेखा काली पड़ जाएंगी तो अठे आप बोल सका हाँ
कि ई जातक का जीवन में यो जो ट्रेडेंट को साइन बनो है, ई ट्रेडेंट का साइन में ये रेखा अगर डिस्टर्ब हो रही है तो ई को लाभ ही ना को नहीं मिलेगा, ई का जीवन में स्ट्रगल देखो जागो। अगर तीनों ही रेखा काली गहरी हो जाए तो आपने समझना चाहिए कि जीवन में मेहनत अधिक होगी, हार्डवर्क अधिक जातक करेगो और लाभ में कमी देखी जाएगी। अब देखो ई फॉर्मेशन पर आपा तरक्की ने देखा, तरक्की जातक की हुआ है और जो ई जातक का चेहरा को तेज होगा वो भी बढ़ेड़ो दिखेगो, वाणी प्रभावी भी की दिखेगी। और जद या सूर्य रेखा ई प्रकार से नीचे उतरेगी तो आपा ने समझना है कि जो वृद्धि ई जातक का जीवन में वृद्धि विस्तार जो तरक्की रहेगी भी मैं और ज़्यादा स्पीड या रेखा देगी, अठे मेहनत में कमी देखी जाएगी और नॉन स्टॉप तरक्की में वृद्धि और जो मान सम्मान है पदवी प्रतिष्ठा ई जातक की और बढ़ेरी मिलेगी। अगर इको कलर कट्ठे से भी चेंज होगा बैठे ही वो टाइम पीरियड ई जातक का जीवन में कमी नहीं हो बताओ। तो ई प्रकार से अथेली में जो ट्रेडेंट बना है उग ने आपा समझ सका हाँ कि कोई सो ट्रेडेंट कोई सी स्थिति में आपा ने के फल देगो। तो यह थी जानकारी त्रिशूल निशान से संबंधित। राम राम सा।